पांचवें टेस्ट से पहले टीम इंडिया में हुई सरफराज खान के भाई की अचानक एंट्री। इन खिलाड़ियों को टीम इंडिया से रिप्लेस करेंगे खान ब्रदर्स, निकाल फेंकेंगे बाहर। खान ब्रदर्स की टीम इंडिया में एंट्री की खबर सुन मैच से पहले टेंशन में इंग्लिश कप्तान। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है। इस श्रृंखला में कई खिलाड़ियों ने अपने प्रभावशाली खेल से सभी का दिल जीता है, तो वहीं अनेकों खिलाड़ी की तकनीक की भी पोल खुल गई है। टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआती दो मैचों में फ्लॉप हुए थे। इसके बाद उन्हें सीरीज के आगामी तीनों मुकाबलों से ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने रणजी ट्रॉफी 2024 में हाथ आजमाया, मगर वो यहां भी फ्लॉप साबित हुए। दूसरी तरफ खान ब्रदर्स टीम इंडिया में अपनी धाक जमाने में जुटे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब टीम इंडिया में श्रेयस अय्यर की वापसी करना मुश्किल है। श्रेयस अय्यर ने हैदराबाद में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट की पहली इनिंग में 35 रन और दूसरी पारी में 13 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद विशाखापट्टनम टेस्ट में भी उनका बल्ला खामोश रहा। यहां अय्यर ने पहली पारी में 59 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 27 रन बनाए। वहीं दूसरी पारी में वो 52 गेंदों में 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड से पहले दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भी अय्यर का बल्ला खामोश रहा। उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में आखिरी अर्धशतक की पारी साल 2022 में खेली थी। इतना ही नहीं, रणजी ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल में मुंबई की तरफ से खेलते हुए वो पहली पारी में केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। खान ब्रदर्स से हमारा मतलब सरफराज खान और मुशीर खान से है। सरफराज खान ने लंबे समय तक घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन दिखाया, जिसके बाद उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भारत के लिए डेब्यू करने का मौका मिला। इस मौके का उन्होंने भरपूर लाभ उठाया और दोनों पारियों में अर्धशतक जमा डाले। अब सरफराज की तरह उनके छोटे भाई मुशीर खान भी घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा खेल दिखा रहे हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 में उनके बल्ले से कई अच्छी पारियां निकली हैं। सेमीफाइनल में श्रेयस अय्यर जिस पिच पर 3 रन बनाकर आउट हुए थे, वहीं मुशीर ने 55 रनों की बेहतरीन पारी खेली। ऐसे में माना जा रहा है कि भविष्य में चयनकर्ता श्रेयस अय्यर से अधिक वरीयता मुशीर खान और सरफराज खान को देंगे। मुशीर खान ने इससे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में भी शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने टूर्नामेंट में 300 से ज्यादा रन बनाकर गेंद से भी कमाल दिखाया था। इसके बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफी में क्वार्टर फाइनल में नाबाद 203 रन बनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद अब मुशीर खान भी टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं। उन्होंने मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के मैच में तब ये दोहरा शतक लगाया जब टीम को इसकी सख्त जरूरत थी। पूरी टीम 384 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, लेकिन मुशीर ने इसमें से अकेले नाबाद रहते हुए 203 रन बना डाले। वो यहाँ आपको बताते चले कि 18 वर्षीय मुशीर खान दूसरी बार रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं। इससे पहले पिछले सीजन में उन्होंने डेब्यू किया था, लेकिन सिर्फ 3 ही मैच खेले थे। अब अपने दूसरे सीजन में उन्होंने वापसी की और आते ही सुर्खियां बटोर ली। मुंबई के लिए इस पारी में पृथ्वी शॉ, कप्तान अजिंक्य रहाणे किसी का भी बल्ला खास कमाल नहीं कर पाया, लेकिन मुशीर ने 203 रन नाबाद और हार्दिक तमोरे ने 57 रन बनाकर टीम का स्कोर 384 तक पहुंचा दिया। बड़ौदा के लिए पहली पारी में भार्गव भट्ट ने कमाल गेंदबाजी की और 7 विकेट अपने नाम किए। तो अब देखना होगा सरफराज खान के भाई मुशीर खान को कब तक टीम इंडिया में मौका मिलता है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।